नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी नो योर स्टेट सीरीज में नेक्स्ट स्टेट असम के बारे में चर्चा करेंगे। आज़ादी से पहले 1228 से लेकर 1826 तक असम पे अहोम साम्राज्य का राज्य रहा, जिसकी स्थापना सुकापा जो कि एक ताई प्रिंस थे और मोंगमाओ नामक स्थान से इनका संबंध था। मोंगमाओ जो कि आज के दिन भारत, चाइना तथा म्यांमार का एक प्रांत है। अहोम साम्राज्य के दौरान उत्तर पूर्व भारत में मुगल साम्राज्य के बढ़ाव को रोका गया। 19वीं शताब्दी आते आते मुरमुरिया विद्रोह के कारण अहोम साम्राज्य काफी कमजोर पड़ता गया और अंततः फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के बाद ट्रीटी ऑफ यांगडाबो जो कि 1826 में साइन की गई, इसके पश्चात अहोम साम्राज्य पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को असम को एक राज्य के रूप में गठित किया गया। जनसंख्या के अनुसार अब यह भारत का 15वां तथा क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का 16वां बड़ा राज्य है। असम को टी स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। असम अपनी बाउंड्री नॉर्थ में भूटान तथा आंध्र प्रदेश, ईस्ट में नागालैंड तथा मणिपुर, साउथ में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ बनाता है। वेस्ट में वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है। वेस्ट बंगाल में किस जिले के साथ बनाता है यह कमेंट बॉक्स सेक्शन में अवश्य बताइएगा। सीएम यहाँ के हिमंत बिश्वा शर्मा है, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के सुधांशु धूलिया हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज आसमीज है। लोकसभा की यहाँ पे 14 तथा राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं। लिटरेसी रेट 72.19% है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यहाँ का स्थान 30वां है। बिहू जो कि यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, इसे 3 अवसरों पर मनाया जाता है। रिंगाली अथवा बुहाग बिहू, जिसे फसल की बुआई के समय अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कति बिहू जो कि अक्टूबर के महीने में फसल की बुआई के पश्चात मनाया जाता है। भोगाली बिहू, जिसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, यह फसल की कटाई के अवसर पर जनवरी में मनाया जाता है। अंबुमाची मेला जो कि एक हिंदू मेला है, जो कि कामख्या मंदिर में गुवाहाटी आसाम में लगाया जाता है मॉनसून के सीजन में। जुमेर नृत्य जो कि चाय बगान के कर्मचारियों के द्वारा अपनी थकान दूर करने के लिए नृत्य है किया जाता है। बिहू नृत्य जो कि बिहू त्योहार के दौरान फसल की कटाई के पश्चात लगभग 1 महीने तक यह नृत्य किया जाता है। ब्रह्मपुत्रा जो कि असम की एक प्रमुख रिवर है। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल मानसरोवर नामक झील तिब्बत से है। अरुणाचल प्रदेश के रास्ते यह भारत में प्रवेश करती हुई असम में यह ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। सादिया नामक स्थान से लेकर डुबरी तक यह ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। डुबरी के पास यह बांग्लादेश में दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और असम में यह बहती हुई बहुत से आइलैंड बनाती है, जिसमें मजोली आइलैंड जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है। काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर, जिसे पहली बार रिजर्व फॉरेस्ट 1 जून 1905 में लॉर्ड कर्जन जो कि वायसराय थे भारत के तत्कालीन, उनके द्वारा किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को साइट घोषित किया गया तथा 2006 में इसे एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ लगभग पूरे विश्व के 2/3 वन हॉर्न रिनो पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 2015 में 2401 थी। काजीरंगा नेशनल पार्क में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे 1985 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया, यह टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर वाइल्ड वाटर बफेलो प्रमुखतः पाए जाते हैं। उरांग नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1985 में की गई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, 1999 में से एक नेशनल पार्क बनाया गया। यहाँ पर प्योगमोक जो कि एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं तथा 68 वन हॉर्न रिनो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दिहांग पटकई, जिसे 9 जून 2021 को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, जो कि पिछले साल काफी कंट्रोवर्सी में थी इलीगल कोल माइनिंग के कारण।
रायमोना, जिसे 5 जून 2021 जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है उस दिन नेशनल पार्क घोषित किया गया, जो कि खोखराझर डिस्ट्रिक्ट असम में पाया जाता है। यहाँ पर गोल्डन लंगूर जो कि एक एंडेमिक स्पीसीज है पाई जाती है। दिगबोई रिफाइनरी जो कि बर्थ प्लेस माना जाता है एशिया की ऑयल इंडस्ट्री के रूप में, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1901 को की गई और यह एशिया की पहली रिफाइनरी है और सबसे पुरानी है जो अब तक काम पे है। कैपेसिटी यहाँ की 0.65 मीट्रिक टन है पर एनम। बरसपारा स्टेडियम, जिसे डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, भूपेन हजारिका जो कि एक प्लेबैक सिंगर थे जिनका जन्म असम के सादिया नामक स्थान पर हुआ। इन्हें विभिन्न पुरस्कार दिए गए, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के तथा असम रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम जो कि एक फुटबॉल स्टेडियम है, इसे सरू सजल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 25,000 है। गुवाहाटी एयरपोर्ट, जिसे गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, गोपीनाथ बरदोली जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और पहले चीफ मिनिस्टर थे असम के, तत्कालीन गवर्नर जो कि जयराम दास थे, उन्होंने इसे इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई। भारत रत्न इन्हें 1999 में दिया गया। तेजपुर एयरपोर्ट, जिसे सलोनी बारी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आसाम की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को नाम दिए गए हैं निकने। तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री शिव के बीच एक भयंकर युद्ध किया गया था, जिसके कारण इसे सिटी ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी, जिसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है गुवाहाटी इंडिया की और यह ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है इंडिया की। कुछ प्रमुखतः पर्सनैलिटी है जिनका संबंध असम से है। हिमा दास जो कि एक एथलीट है जो कि नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है 400 मीटर में, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस मोनजाई के नाम से भी जाना जाता है, और पहली भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ट्रैक इवेंट में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में। इसके अलावा इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एशियन गेम 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल और मिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भोगेश्वर भारूच जो कि पहले असमीज बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल इवेंट में 1966 के एशियन गेम्स में, 800 मीटर इवेंट में इन्होंने यह गोल्ड मेडल जीता। 3 सितंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर अभिरुचि स्पोर्ट्स डे के नाम से असम में मनाया जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 5वें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने भारत के और दूसरे राष्ट्रपति बने जो कि अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई। जितेंद्र नाथ गोस्वामी जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे और चीफ साइंटिस्ट थे चंद्रयान 1 के और इसके प्रोजेक्ट के डेवलपर भी थे, जिन्होंने डायरेक्टर बने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के। इसके अलावा इन्होंने शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 1994 में दिया गया, पद्मश्री 2017 में, असोम रत्न 2015 में इन्हें दिया गया। जेम चोंगा नेमपुई जो कि एक पहले असम के आदमी थे जिन्होंने IAS क्वालिफाई किया और पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंसान थे जिन्होंने IAS ऑफिसर बने भारत के, और बाइटा ट्राइब से इनका संबंध था। असम सरकार द्वारा अभी एक घोषणा की गई है जिसमें भारत रत्न की तर्ज पर असोम रत्न दिया जाएगा, जिसमें असोम रत्न एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए होगी। असोम विभूषण जो कि 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसकी पुरस्कार राशि 3 लाख होगी। असोम भूषण 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए। असोम श्री 10 व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।